तो गाइज एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जब आपके पास ऑडियंस आने लगती है, जब आपके पास अच्छा रीच आने लगता है, व्यूज आने लगते हैं, तो भाई आपको जो दिल है ना वो धड़कना शुरू हो जाता होगा। भाई मेरा धड़क रहा है, आपका आई होप धड़का होगा भाई, जब आपके पास अच्छा रीच आया होगा, जब आपके पास अच्छी ऑडियंस आई होगी, अच्छे व्यूज आने शुरू हुए होंगे, तो भाई आपका भी दिल इसी तरह से धड़का होगा। वो किस लिए धड़कता है वो मैं आपको बताया। तो भाई जब आपको लगता है यार अच्छा कंटेंट, अब इतने वीडियो डाल दी, वो तो डाल दी, लेकिन अब हमारे पास जो ऑडियंस आई है, इसको हम एक न्यू कंटेंट कह दें, एक यूनिक कंटेंट कह दें, अच्छा कंटेंट इसको हम कैसे प्रोवाइड कराएं, और एक वैल्यूबल कंटेंट हम कैसे प्रोवाइड करवाएं। अच्छा कंटेंट तो आपको हर क्रिएटर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने अपने लेवल से, लेकिन अब बात यह आ रही है कि भाई अब मैं कैसे आपको एक अच्छा कंटेंट, एक वैल्यूबल कंटेंट आपको कैसे प्रोवाइड करवाऊं। उसी के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूं काफी, और आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए इतना अच्छा सेटअप बनाया है मैंने काफी मेहनत के बाद, आज ही फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, और तो थैंक यू सो मच जुनैद भाई, आपने जो मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उस पर काफी अच्छा रीच गया है, और काफी वहां पर लोगों ने कमेंट्स किए हैं। वहां पर दो जो सबसे मोस्ट कमेंट्स किए हैं लोगों ने वो ये है, सबसे पहले तो ये कि भाई आपका सेटअप बहुत अच्छा है, तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों के प्यार की वजह से ये सेटअप तैयार हुआ है, और ये है कि कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यूबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। और एक कमेंट्स और क्या है मेरे को काफी लोगों ने कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, तो गाइज उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा न्यू ईयर का, क्योंकि मैं न्यू ईयर पर हो सकता है अपने सब्सक्राइबर्स को अनहाइड कर दूं। ठीक है गाइज, मैंने वाउटेक की कम्युनिटी पर एक सर्वे किया था, सर्वे के अंदर मैंने लिखा था, आप मेरी डिस्प्ले पर देख सकते हो, कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर 62 लोगों ने इस पर मेरे को वोट किया है, और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और मतलब 8% लोगों ने बताया कि भाई हमारी जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो पंजाब है, और 2% लोगों ने बताया हिमाचल प्रदेश है, और 89% मतलब आई थिंक 89 होते हैं, मेरे को पता नहीं है वही एग्जैक्टली, 89 मतलब 89% लोगों ने इंडिया बताया, और 2% लोगों ने गुजरात बताया। मैं ये आंकड़े सुन के चौंक गया कि मतलब लोग आज भी इतने अवेयर नहीं हैं, जिनको हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं पता। एक महान शख्स कमेंट्स में आपको और दिखा देता हूँ भाई, वो भी देख लीजिए भाई, मैं कमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे इसने भाई ने कमेंट्स किया था मुझे, और कमेंट्स में आप देख सकते हैं नीचे की, और भाई ने लिखा हुआ है बिहार, भाई कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। भाई ये शॉक्ड है मेरे लिए, लोग अवेयर नहीं है इन सब चीजों से, तो मतलब सीखने की बहुत जरूरत है। हमारी अपनी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनसंख्या है, 135 करोड़ के करीब हमारी टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, शायद उससे भी ज्यादा हो गई है, इन सब लोगों को सीखने की जरूरत है। तो भाई ये इस तरह के पोल्स में चलाता रहता हूँ, तो आप इन सब में पार्टिसिपेट क्या करो, लेकिन मेरे को इन इन लोगों की दाद देनी पड़ेगी, जिन लोगों ने मतलब जनरल मतलब बताया कि भाई पंजाब है या हिमाचल प्रदेश है या गुजरात है या बिहार है, मतलब मैं आई एम प्राउड ऑफ दीज पीपल्स, क्योंकि उन्होंने जो उनको पता था अच्छा है कि भाई उन्होंने चीटिंग नहीं करी है, क्योंकि वोटिंग तो 89% इंडिया को जा रही थी, लेकिन उनको जो पता था तो उन्होंने उसमें साबित कर दिया कि भाई हमें ये पता है, तो हमने उसको कॉन्फिडेंसली भर दिया। इस बात को लेकर के तो भाई मैं बहुत प्राउड फील हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं करेक्ट कर देता हूँ भाई, हमारी इंडिया की जो कैपिटल है ना तो बिहार है ना गुजरात है ना हिमाचल प्रदेश है ना पंजाब है, हमारी जो इंडिया की जो कैपिटल है वो है दिल्ली। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।